हेलो फ्रेंड्स, ये आर्टिकल 3 है। पार्ट 1 में 1, 2, 4 आर्टिकल्स होते हैं। ये आर्टिकल 3 है। पीछे वीडियोस में आर्टिकल 2 और आर्टिकल 1 बोल दिया। अब ये देखते हैं किस बारे में है। तो ये फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, तो नया स्टेट्स कैसे फॉर्म करते हैं इंडिया में, या अल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। तो एरिया कैसे चेंज किया जाता है, बाउंड्री कैसे चेंज करते हैं और नेम्स कैसे चेंज करते हैं, इसके बारे में जो रूल्स बने हैं वो आर्टिकल 3 में है। तो पार्लियामेंट में बाय लॉ, तो कोई भी काम करती हैं तो लॉ बना के करती हैं, याद रखना है। बाय लॉ क्या कर सकती हैं कि फॉर्म ए न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट। तो नया स्टेट को कैसे बनाएगी, सपोज ऐसा इंडिया है, अभी रिसेंटली आंध्र प्रदेश को डिवाइड करके तेलंगाना बनाया गया। तो आंध्र प्रदेश ऐसा था, तो उसमें से एक पार्ट को निकाल के इसको तेलंगाना बनाया गया। तो फॉर्म ए न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट, तो इस एपी स्टेट से इतना सा पोर्शन निकाल के तेलंगाना बनाया इस रूल के हिसाब से। और बाय यूनाइटिंग टू और मोर स्टेट्स, सपोज आंध्र प्रदेश और कर्नाटका को दोनों को मिलाना चाहे तो मिला सकती हैं, लॉ बना के दोनों को मिला के एक स्टेट बना सकती हैं। और बाय यूनाइटिंग टू और मोर स्टेट्स और पार्ट्स ऑफ स्टेट्स, नहीं तो पूरे के पूरे मिलाना नहीं, आंध्र प्रदेश के एक टुकड़ा और कर्नाटका का एक टुकड़ा मिला के भी बना सकती है। और बाय यूनाइटिंग एनी टेरिटरी टू एनी पार्ट ऑफ एनी स्टेट, तो यही है रीज़न, ओवरऑल यही है, एक ही टाइप का बताया जा रहा है। तो इससे क्या होता है, इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट। तो लॉ बनाएगी, कोई एक स्टेट का एरिया इंक्रीज कर सकती है दूसरे स्टेट से निकाल के। डिमिनिश द एरिया ऑफ एनी स्टेट, कोई स्टेट का एरिया कम कर सकती है अपना, वहाँ से एरिया निकाल के कहीं और दे के। आल्टर द बाउंड्रीज ऑफ एनी स्टेट्स, ऐसे करने से डिमिनिश करे इंक्रीज करे करने से बाउंड्रीज तो चेंज होना ही है। आल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट, नेम भी चेंज करते हैं। पहले मद्रास स्टेट हुआ करती थी, मद्रास स्टेट को डिवाइड करके तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश बनाया गया, इस तरह से नेम चेंज हो गया। तो एक बार रीडिंग करने से हमें याद आ जाता है ये। थैंक यू, टिल नेक्स्ट वीडियो। Oh yeah.